चश्मे अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब के नाज़रीन को वसीम अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम वीडियो लेकर के हाजिर हूं। हमारे चैनल चश्मे अदब के एक नाज़रीन मोहम्मद इब्राहिम ने हमारे दो वर्ड नकहत और फजा पर कमेंट किया है, जिस पर मुस्तमिल मैं एक खूबसूरत वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मोहम्मद इब्राहिम का कहना है कि लफ्ज़ नकहत जो है, ये लफ्ज़ नकहत नहीं लफ्ज़ निकहत है। तो मैं इनको बतौर इस्लाह ये बताना चाहता हूँ कि आप डिक्शनरियों को उठाएं, किसी भी डिक्शनरी को उठाएं, उस डिक्शनरी में जाकर के इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें, इसका तलफ़ देख लें, इसका तलफ़ क्या है। लफ्ज़ नकहत में नू पर ज़बर और काफ नकहत, नू पर ज़बर काफ साकिन और हे तेज और हत नकहत है। और ये लफ्ज़ जो है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान में भी मुस्तमिल है। और ये लफ्ज़ मुअन्नस है, जिसके लगवी माना है खुशबू और महक, खुशबू और महक। ये लफ्ज़ महक नहीं है बल्कि महक है। इस पर भी कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद इब्राहिम कमेंट कर दें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। दूसरा जो हमारा वर्ड है, दूसरा लफ्ज़ जो है वो है फ़ज़ा। मोहम्मद इब्राहिम साहब का कहना है कि ये लफ्ज़ फ़ज़ा नहीं लफ्ज़ फ़िदा है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि डिक्शनरियों को उठाएं और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका तलफ़ देख लें। इसका जो तलफ़ है वो फे पर ज़बर और ज़वाद अली जुर्ज़ा। ये लफ्ज़ फ़ज़ा है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान में भी ये मुस्तमिल है। और ये लफ्ज़ मुअन्नस है, जिसके लगवी माना है ज़मीन की कुसादगी, खुला मैदान, बहार, रौनक और कैफियत। दोस्तों, ये बतौर इस्लाह हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद फिर अगली खूबसूरत वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।